तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, फाइनली मेरे 1 मिलियन फाइनली मेरे 1 के सब्सक्राइबर हो गए। नहीं, मैं सो नहीं रहा था 1 महीने से, क्योंकि 1 महीने से मेरे 1 के सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन मसला ये है कि मैं इतना बिजी था अपनी फिल्म की प्रमोशंस में, खैर उसमें भी था मैं बिजी, लेकिन और चीज़ों में बहुत बिजी था, तो मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं इसके लिए वीडियो बनाऊँ। लेकिन मैंने कहा था यार 1K की तो बनती है, क्योंकि 2 साल 30 वीडियोस और 1 फिल्म जिसमें मेरा सब लुट गया, वो लगा है मुझे 1K सब्सक्राइबर्स बनाने में। जाहिर सी बात है, ऑल क्रेडिट गोज़ टू माय इनकंसिस्टेंसी, जिसकी वजह से मुझे इतना टाइम लगा। लेकिन अब जो है ना, मुझे ये फोकस नहीं करना कि यार क्वालिटी मेंटेन करूँगा मैं, तो यार वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में मैं 1 वीडियो बनाऊँ। वीडियो तो अब आएंगी, और ये मैंने 50,000 बार बोला है, अब दोबारा बोलूँगा, क्योंकि मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ इस चीज़ से, वीडियोज़ आएंगी। लेकिन आज मैं आप सबको ये तो बताऊँगा कि आगे क्या क्या चीज़ें आएंगी, साथ साथ अब मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ जब मुस्लिम के 10 सब्सक्राइबर्स थे, उससे लेकर ये 1,000 की कहानी कहाँ तक शुरू हुई। चलिए, तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस कमरे में जहाँ सारा जादू होता है, और सारी मुस्लिमानिया की वीडियोस वगैरह जो है ना, आधी से ज़्यादा इसी कमरे में बनी है, इंक्लूडिंग दास्तान मुस्लिम 1 एंड 2। अब देखिए, ये है ये मेरी छोटी सी कायनात, जिसको मैं अपना मुस्लिमानिया का रूम बोलता हूँ, या स्टूडियो भी कह सकते हैं आप। जाहिर सी बात है, ये शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, एंड मैं बिल्कुल इस चीज़ पे कोई शर्मिंदगी जाहिर नहीं करना चाहता, ना मैं शर्मिंदा हूँ, बिकॉज यू गैट बी प्राउड ऑफ इट, यू नो, आपके पास एटलीस्ट एक रूम है जो बाकी लोगों के पास शायद ना हो, तो यू शुड ऑलवेज बी यू नो ग्रेटफुल फॉर इट। एंड ये जो अभी आप दीवार देख रहे हैं ना, गली सड़ी सी, इस दीवार पर लगी थी, ये जो आप होल देख रहे हैं, ये मैंने पूरा छेदवित करके इस दीवार पर अपना एक ग्रीन कपड़ा चिपकाया था दास्तान मुस्लिम 1 में। और जो आपको पीछे ग्रीन स्क्रीन दिख रही है, जो अभी मैं आपको ये स्क्रीन चला देता हूँ, ये पहले मैं ऐसा दिखता था, जो बात है, हैंडसम लड़का है, लेकिन ये जो पीछे ग्रीन स्क्रीन, ये जो पूरा पूछे बैकग्राउंड चेंज हुआ है ना, ये इस दीवार पे एक ग्रीन कपड़ा लगा था, उसने किया था ये जादू। तो यू नो, आपको इक्विपमेंट वगैरह की इतनी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग, जो भी चीज़ आप सोचते हैं ना, वो आप किसी ना किसी जुगाड़ू तरीके से कर सकते हैं, बस आपको एक चाह होनी चाहिए करने की, चाह। और अगर आपको चाह की बात बताऊं, तो दास्तान मुस्लिम 1 और 2 आ चुका है, और वो एक वो सीरीज़ है जिसमें मैं अपनी पूरी साल की अपडेट देता हूं। तो आपको ज़रा ये अपडेट भी दे देते ना यार, ये क्या चल रहा है यार, ये दास्तान मुस्लिम 3 आने वाली है यार, ये तो तुमने बताया नहीं मुस्लिम, तो आप बता रहा हूँ ना यार, दास्तान मुस्लिम 3 जो है वो ऑन द वर्क्स है, और अभी स्क्रिप्ट उसकी लिखी जा रही है, लेकिन बहुत जल्द वो आएगी और आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है इस दिमाग में और इस 1 साल में क्या क्या हुआ है। नाउ बैक टू स्टूडियो। अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो दीवार है, ये जो सारी चीज़ें हैं, असल में ये हुआ इसलिए है कि ये जो आपको ये रैक दिख रही है इतनी बड़ी, ये रैक अभी अभी बनाई है हमने, क्योंकि ये सारी, अगर मैं पुरानी वीडियोज़ दिखाऊँ तो यहाँ पे ये पूरी ये फिक्स्ड होती थी, तो हमने यहाँ से उखाड़ के इधर फेंक दी ताकि ये जगह क्लियर हो जाए, और तभी वो जो है ना, वो मैं अपना पीसी जो है वो यहाँ ला पाया हूँ, तो वो पहले नीचे रखा होता था। तो अब ये दीवार होगी फिक्स्ड इस तरह, पहले तो ये चीज़ें फिक्स होल फिक्स होंगे, उसके बाद यहाँ आएगा मुस्लिमानिया का यू नो नियॉन साइन का बोर्ड, जिसमें थोड़ा सारा शशके उसके मारेंगे, और उसके बाद जो है वो इस पीसी की भी एक रैग आएगी अगली, ये बहुत पुरानी रैग रखी हुई थी जो जिस पे मैं अपना पीसी वगैरह रखा हुआ है, ये भी फिक्स होगा, क्योंकि ये मुझसे पनाह मांगता है कि मुझे बक्स दे, मैं इतना सारा एडिट नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी इससे निकलवाता हूँ। चार बेटा, अच्छा काम कर रहा तू, अच्छा काम कर रहा है। और ये जो है ना, ये इतनी 1982 की जो हमारे पास ये रखी हुई है, क्या कहते हैं इसको, मैं नाम ही भूल गया सारी चीज़ें, कि सोफ़ा ही था ये, था तो ये जो रखा हुआ है ये भी जाएगा, और यहाँ पर आएंगे यू नो बीन बैग्स, ताकि मैं एक सिटिंग भी बिठा सकूँ अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ तो वो बैठते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि यार चलो खैर है, दोस्तों लौंडे तो कहीं भी बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आएंगे बीन बैग्स इंशाल्लाह। अब ये कब आएंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जाहिर सी बात है, मैं अपनी वीडियोज़ में कुछ चीज़ें इसलिए भी बोलता हूँ ताकि मुझे थोड़ी यू नो हिस आए मेरे अंदर, और मैं वो चीज़ें जल्द से जल्द कर सकूँ, तो वो आएंगी, आप टेंशन मत लें। खैर, ये मेरा रूम है जो मैं आप ये देख सकते हैं, ये हमारी थोड़ी सी वॉल आर्ट है जो हमारी बहन ने हम पे एहसान किया करके, और ये मेरी दोस्त ने मुझे भेजा था, थैंक यू सो मच लाइबा। ये मैं हूँ, और मेरे साथ अवार्ड है जो मैं डायरेक्टर का अवार्ड जीता था, बेस्ट डायरेक्टर का थिएटर प्ले में, और जिसके साथ मैं रूम शेयर करता हूँ और कोई नहीं, वो हैं मिदहत अब्बास,
जो हमारे भाई हैं कहीं से लगते नहीं है, इनकी हालत दिखा दी, मेरा चड्डा दिखा दिया तेरा। हाँ चल चल। हाँ तो मेरा बस, मैं ऑडियंस को, आज ये हमारी 1K स्पेशल वीडियो है, अब इधर देखना सही से, चल ओवर एक्टर। तो ये बताओ कि आपको कैसा लग रहा है कि आप पहली वीडियो में हमारे साथ थे, और हमारे आइकॉनिक कैरेक्टर्स दास्तान मुस्लिम के जो 3 में वापस आने वाले हैं, आपको कैसा लग रहा है बताएं? 1K व्यूज हो चुके, सब्सक्राइब हो चुके। दरअसल ये कहानी स्टार्ट होती है 2004 3 नवंबर से, हाँ जब फिर तो लाइफ में मैंने बहुत मुश्किलें देखी, और मतलब मैं आज मतलब हाँ कंटिन्यू। हाँ एक मुश्किल तवील सफर था। फिर मतलब मेरा भाई से मेरा प्यार था बड़ा वगैरह, हाँ जब वो तो मुझे जल्दी रेत पे छोड़ दिया। ये नहीं बताना यार पिताजी, क्यों बता रहे हैं पास्ट के वो तो इंसिडेंट्स? मतलब मैंने जितना तशद्दुद जुल्म सितम झेला है, मुझे नहीं लगता दौरे हाजर में किसी ने झेला हो। उसी की, मुझे लग रहा है उसी की मेहनत का नतीजा है जी, जी। जी, जी, तभी ये क्रिकेट मशहूर भी हुई है। क्रिकेट में मतलब जो मेरा रोल क्या है, मेरा रोल नहीं होता, मेरा कैमियो होता है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे, आप लोग देखने वाले लोग हैं, आप लोग कला जानते हैं। कला तो ये रुक जाओ इधर। तो कला के महारथी, एक आपको बता दें कि ये मेरा अब्बास हमारे छोटे भाई हैं, और ये हमारे साथ हमारी वीडियोस बनाते हैं। तो मेरा अब्बास ये लाइक का है नहीं कर रहा है बे, हैं ऑन नहीं हो रहा है, क्या करें? ठीक है ठीक है ठीक है साला, ठीक है ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है मेरा एक विजन बोर्ड जो मैं हर महीने के हिसाब से बनाता हूँ, जिसमें ये गोडू जी 8 बजे। सही बात है, नहीं वैसे जिम तो मैं जा रहा हूँ, एंड ईट 3 टाइम्स अ डे ये भी मैं कर रहा हूँ। गुड जोगा, जॉब मैंने छोड़ दी थी, तो अब मुझे उसके लिए जॉब तलाश करनी है। फिर नवंबर में कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन मैं कर लूँगा इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आई आई ट्रस्ट माई सेल्फ। देखो 1 घंटा तो मैं नहीं भागता, लेकिन 1 घंटा मैं नाच लेता हूँ, तो दैट्स इक्विवेलेंट टू द एन अपने खामों से टूटा हुआ साज हूँ मैं। ये अच्छा था, मेरा अच्छा जोक सिखाता हूँ मैं इसको। खैर मेरे लिए 3 वीडियोज़ में एक तो बना ही रहा हूँ ना यार, और दूसरी तीसरी आ जाएगी तो कंपनसेट हो जाएगा। डू नॉट लिसन टू पीपल इफ यू आर ट्राइंग हार्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर ट्राइंग हार्ड नॉट टू डू एनीथिंग, तो आप लोगों की नहीं सुने। फोकस ऑन नमाज दीप दी जो बात है, इस वजह से मुझे ख्याल आया कि अजान तो हो चुकी है, मुझे नमाज पढ़नी नहीं चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें सबको सब दिखा दूँ, हैं सब दिखा दूँ आपको, हैं सब दिखा दूँ सब, ये क्या सब दिखा दूँ आपको, सब दिखा दूँ। तो लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम है मुस्लिम अब्बास, और मैं एक फिल्म मेकर तो हूँ ही, जी हाँ मुस्लिम मैनिया जो है वो मेरे नाम से डिराइव हुआ है। मुस्लिम अब्बास मेरा नाम है, और मैं एक फिल्म मेकर हूँ पढ़ाई से, और पेशे से मैं एक्टर हूँ, और मैं अपनी सारी वीडियोस एडिट भी खुद करता हूँ, तो आप मुझे एडिटर कह सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही जो हूँ सेलेक्टिव एडिटर हूँ, मैं जब मेरा दिल करता है मैं तब एडिट करता हूँ। खैर तो माय पॉइंट इज, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मुझ जैसे इंसान को और मेरे कंटेंट को लाइक करते हुए मुझे सब्सक्राइब किया, और 1000 तो छोड़ो, अब तो 2000 होने वाले माशाल्लाह से इंशाल्लाह, और मैं कंसिस्टेंसी अपनी बरकरार रखूंगा ताकि आपको ये चेहरा याद रहे सटीक तरीके से, भूले ना आप। और वीडियोस आने वाली हैं ऐसी करके पेगा तुम्हारा भाई। अभी आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, ये जो ये जो वीडियो है ना जिसमें मैंने इम्पर्सनेशंस किए सारे कार्टून कैरेक्टर्स की, अगली वीडियो आने वाली है इम्पर्सनेशन ऑफ ऑल दी एक्टर्स जो हॉलीवुड बॉलीवुड या लॉलीवुड इवन, जिनकी मैं उतार सकता हूँ नकल, या उनकी आवाज़ को मिमिक कर सकता हूँ, या उनके एक्शन को मिमिक कर सकता हूँ, उसकी वीडियो अगली आने वाली है। उसके बाद आएगी दास्तान मुस्लिम 3। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं ना अपनी वीडियोस को इतना ज़्यादा ना वो नहीं करूँ कि यार मैं हफ्ते में जो महीने में एक दो ही वीडियो डालूंगा, भले क्वालिटी अच्छी हो लोगों को क्वालिटी, क्योंकि मैंने ये देख लिया है कि आजकल लोगों को क्वालिटी से ज़्यादा ना क्वांटिटी की फिगर है, और जितनी ज़्यादा लोग वीडियो फेंक रहे होते हैं ना उतने ही ज़्यादा रेलिवेंट रहते हैं। तो अगर ये चेहरा ये थोपड़ा रेलिवेंट मुझे रखना है, तो फिर ज़ाहिर है वीडियो तो डालनी पड़ेंगी। तो मैं उसके अलावा भी अपने व्लॉग्स वगैरह डालूंगा, अगर आपको देखने का शौक है तो आप देख लीजिएगा, नहीं देखने का होगा तब भी अपन डालेगा, क्योंकि किसी को देखने का शौक थोड़ी था मुझे, तब भी अपन ने कर लिया ना 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस। लेकिन खैर बात यह है कि एंड 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 लास्टली थैंक यू सो मच कि आपने मेरी फिल्म को एड करवा दिया, क्रिकेट को। मैं आपको रियलिस्टिकली एक बात बताता हूँ, आजकल इतना सोशल मीडिया का दौर ऊपर चला गया है, और कंटेंट का दौर इतना ऊपर चला गया है कि 10,000 20,000 50,000 इवन 1 मिलियन व्यूज अगर किसी का आया था ना, तो दे विल बी लाइक ओ हमारी वीडियो ने 1 मिलियन क्रॉस कर दिया। बट फॉर मी इट्स समथिंग
एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड ब्रेथ टेकिंग कि जब मैंने देखा ना कि मेरी फिल्म ने जिस पे मैंने इतनी मेहनत की उसने 10,000 व्यूज क्रॉस किए, तो मैं आई वॉज ओवर द मून बिकॉज ऑनेस्टली टेलिंग यू व्यूज का मतलब एक तो ये होता है कि चलो आ गए 50,000 व्यूज हो गए, 25,000, 1,00,000 हो गए. फॉर मी एवरी व्यू काउंट्स इतना ज़्यादा कि जब मेरी किसी के 500 व्यूज हो जाते थे ना वीडियो के, मैं ओवर द मून होता था कि यार 500 लोगों ने मेरी वीडियो देखी, 500 लोगों को पसंद आया मेरा कंटेंट. और अब मैं ये सोचता हूँ कि 10,000 लोगों को इंक्लूडिंग मोरू एंड जुनेद अकरम बाय द वे, उन लोगों को भी मेरी फिल्म पसंद आई. सो इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी यार, थैंक यू सो मच गाइस. गिरगिट ने 10,000 व्यूज क्रॉस कर लिए और अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके देखो यार. और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे अपनी बहुत सारी रील्स और वीडियोज और अपनी लाइफ की अपडेट्स वगैरह भी वहाँ देता रहता हूँ और बहुत मजे मजे का कॉन्टेंट भी वहाँ बनाता रहता हूँ. तो जाकर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो यार, मुस्लिमानिया ही है टाइटल, और फेसबुक पे भी जाके फॉलो करो ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें कि इस इंसान की ज़िंदगी में चल क्या रहा है. उसके साथ साथ मैं विदा लेता हूँ और आप मुझे प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर, और शेयर तो खैर छोड़ो यार तुम्हारी मर्जी है तुम करो ना करो, लेकिन कमेंट करके बताना ज़रूर कि ये बातूनी बंदा तुम्हें कितना पसंद आया और कितना ना पसंद आया. उसके साथ साथ मैं भी आपको अपडेट देता रहूँगा, मैं रिप्लाई हर किसी का करता हूँ और अभी वक्त आ गया कि मैं गिरगिट में सारे जितने भी कमेंट्स आए हैं उसका रिप्लाई करूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी हो चुका हूँ और मैंने रिप्लाई अभी तक किए नहीं है. तो उसी के साथ साथ मैं अलविदा लेता हूँ और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसे आपकी वीडियो ये वीडियो आपके सामने आ गई तो मुझे सब्सक्राइब कर दो. मैं वेट किसका कर रहा हूँ, किसका वेट कर रहा हूँ, करना कर.